जिले के डोंगरगढ़ में 17 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पुलिस थाना बोरतलाव अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में कोरोना संक्रमण के बचाव व रोकथाम के लिए दुकानदारों, ग्राहकों और आवागमन करने वाले लोगों व ग्रामीण जनों को समझाइश व उचित जानकारी दिए जाने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी बोरतलाव निरीक्षक अब्दुल समीर द्वारा किया गया, जिसमें आईटीबीपी के कंपनी कमांडर अजय कुमार, ग्राम पंचायत के बोरतलाव के सचिव और अन्य अधिकारी कर्मचारी और संयुक्त पुलिस बल की टीम जागरूकता अभियान में शामिल रहे। विशेष अभियान के दौरान ग्राम बोरतलाव में पूरा पैदल मार्च करते हुए दुकानदारों, ग्राहकों और आवागमन कर रहे ग्रामीण जनों को आवश्यक समझाइश व मास्क लगाने के फायदे, अन्य आवश्यक नियमों का पालन करने को कहा गया और रूबरू होकर बताया गया, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार को बढ़ने से रोका जा सके। इस अभियान में चेकिंग के दौरान नियमों की अवहेलना करते पाए गए कुछ दुकानदारों व आवागमन कर रहे लोगों को चेतावनी देकर चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस थाना बोरतलाव अंतर्गत कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट होने से छत्तीसगढ़ राज्य और बाहरी राज्यों से आवागमन करने वाले लोगों को संयुक्त टीम द्वारा पूछताछ, सघन चेकिंग व पेट्रोलिंग के माध्यम से लगातार आवश्यक समझाइश प्रशासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल अनुसार दी जा रही है। ऐसा विशेष अभियान वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आगामी समय में भी संचालित रहेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक सार्थक व अग्रसर प्रयास किए जा सके। डीएनएक्स टीवी के लिए डोंगरगढ़ से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। गांव में थाना बोरतलाव अंतर्गत लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 27 जुलाई 2020 को जिला पुलिस बल CF ITBP के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से एक जागरूकता अभियान के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें सामाजिक दूरी बना करके, मास्क लगा करके हर अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दुकानों में जा करके लोगों को समझाइश दी गई। आवागमन करने वाले लोगों को जो मास्क नहीं लगाए थे उन्हें हिदायत दी गई और जो नियमों की अवहेलना कर रहे थे ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। निरंतर थाना बोरतलाव में अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट होने के कारण सघन चेकिंग और कार्रवाई की जा रही है और हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में और इस पूरे जिले में ये व्यवस्था बना करके जो नियम और प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका अक्षरशः पालन किया जाए।